और आज पहले हम लोग थोड़ी देर खेलेंगे कौन बनेगा डॉक्टर, है कि नहीं? किसकी? तो जब तक 10:30 नहीं बज जाते हैं तब तक हम लोग KBD खेलते हैं, देखें कौन बताएगा। हाथ उठाए कोई, कौन खेलेगा KBD, कौन बनेगा डॉक्टर, कोई है कि सब सड़े इंसान है? अरे बच्चा इधर भी देखो, कोई है जो हाथ उठाए? चलो अच्छा इधर बताओ, कोई कौन बताएगा कौन खेलेगा KBD? नोट सड़ा वाला अंदर कर लिया, आप बताओ इधर कोई है जो बताएगा? अरे दैया, चलो नीलकमल खड़े हो, नीलकमल खड़े हो, नीलकमल बताएंगे हमारे बॉडी में जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी तत्व हैं, 98-99% भागीदारी किसकी है, कौन कौन से एलिमेंट? कार्बन, हाँ, CHON, फास्फोरस एंड सल्फर, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन और सल्फर और फास्फोरस। चलो तुम ये बता दो एक सेल के अंदर कितने परसेंट प्रोटीन पाई जाती है? 10-15%। कितने परसेंट न्यूक्लिक एसिड होता है? हाँ गलत बोला तुमने, कितना? 5-7। और रटो कायदे से। अच्छा ये बता दो मिनरल्स कितने होते हैं? नहीं याद है तुम्हें? 1%। पानी कितना होता है? 70-90%। तो तुम्हें जो है 9.5 रुपए तुम्हें मिलेंगे, तुमने जवाब बहुत दमदारी से नहीं दिया। चलो बैठे, और कोई? इसलिए सड़ा वाला नोट दिया। और इधर कोई लड़का? ये भी अपनी है, अपने यहाँ के क्या मतलब होता है, KBD तो KBD है, जो हिम्मत करेगा वो हॉट सीट पे बैठेगा। चलो बच्चा बहुत दिन हो गए तुमसे मुलाकात नहीं हुई, हाँ बताओ खड़ो जल्दी। और देखो ये सवाल बताएंगे, सवाल ये है उस बायोमोलिक्यूल का नाम बताओ जो पॉलीमर नहीं है, मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है, बावजूद इसके रिटेंटेड का पार्ट होता है, कौन? लिपिड। अच्छा सेकेंडरी मेटाबोलाइट में तुमने कौन कौन से पिगमेंट के नाम सुने? कैरोटीनॉइड्स, एंथोसाइनिन। तो इनके 8 रुपए तो पक्के हो गए, 2 ये स्टेप पूरे कर चुके। अगला है सवाल, वैक्यूल किसी सेल के अंदर का जितना भी वॉल्यूम है वैक्यूल कितना परसेंट वॉल्यूम ऑक्यूपाई? 90%। तो तुरंत इनको 10.5 रुपए का पुरस्कार, 10 रुपए इसलिए 50 पैसा उधर से। चलो बैठ बेटा, और कोई लड़का लड़की? पीछे किसी ने हाथ उठाया, और कोई है? KBD वाला कोई है बंदा? कौन है? अच्छा कौन है? अरे दैया, चलो पढ़ो। ये बच्चा बताएगा, सवाल सुनो, ये बच्चा बताएगा, पहले ही क्वेश्चन है डायरेक्ट 10.5 रुपए का, 10 रुपए में तो 6 रहे, एक ही तभी तो उसकी वैल्यू ज्यादा है। सवाल बताएगा कि सारी मोनोसैक्राइड रिड्यूसिंग शुगर थी, सभी डाइसैक्राइड भी रिड्यूसिंग थी सुक्रोज को छोड़कर। सवाल यह है पॉलीसैक्राइड में क्या होता है, लेफ्ट एंड राइट एंड का कुछ मतलब था, राइट एंड रिड्यूसिंग और लेफ्ट एंड नॉन रिड्यूसिंग, एक ही सवाल था 1 करोड़ रुपए का। लो मान्या, चलो भाई अब रक्षाबंधन की तरफ से, बहनों की तरफ से, मान्या तुमसे हम क्वेश्चन पूछ लेंगे, तुम इतनी दूर बैठी हो, हमारा प्राइज भी बच जाएगा, हम वहां तक देने नहीं आ पाएंगे। मान्या बताएंगी
सुनो सब लोग भाई, मान्या बताएंगी, मान्या बताएंगी, और ये है सवाल क्या? लीफ के अंदर जब वैस्कुलर बंडल बनाए जाते तो ऊपर की तरफ जाइलम बनता है कि फ्लोएम बनता है? हैं? सोच लो, लीफ के वैस्कुलर बंडल में ऊपर की तरफ क्या बनता है, जाइलम या फ्लोएम? जाइलम बनता है, और जाइलम में भी स्पेशली प्रोटोजाइलम बनता है। बायोलॉजी में अगर तुमने पहली बार जो जवाब दिया 99% चांस है वही सही होगा, अगर दिमाग लगाया नहीं तो खेल खराब। और मान्य दिमाग लगा दिया इसलिए 1.5 रुपए कट गए इनके। अच्छा अगला 8:30 बचे, तो अगला सवाल ये है मान्या, तुम हमें ये बता दो कि ट्राइकोम्स जो होते हैं, ट्राइकोम्स सॉफ्ट होते हैं कि हार्ड होते हैं? हैं? ब्रांच्ड की अनब्रांच्ड, ग्लैंडुलर की नॉन ग्लैंडुलर? अच्छा अब ट्राइकोम डाइकॉट स्टेम में होते हैं मोनोकॉट? हैं? मोनोकॉट स्टेम छूने पर चिकने लगते हैं गन्ना जैसा ना, तो बहुत ही बढ़िया, तो 1.5 रुपए इनका कवर हो गया, मामला फिर 10 पे पहुंच गया। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल बताएंगी मान्या का, अगला सवाल ये मान्या तुम ये बता दो उस प्लांट टिश्यू का नाम बताओ जिसके लिए कहा जाता है कि ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चरली डिससिमिलर टाइप ऑफ सेल इज कॉल्ड, सिंपल टिश्यू या कॉम्प्लेक्स टिश्यू? हैं? कॉम्प्लेक्स टिश्यू में कौन कौन आता है? जाइलम और फ्लोएम। अब तुम सवाल ये बताओ मोनोकॉट स्टेम में फ्लोएम का कौन सा कंपोनेंट नहीं पाया जाता? फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो चलो नगद पुरस्कार 10 रुपए का। अनुष्का और गुण शुक्ला आए और पूछे, एक्चुअली खूब सारे फुटकर पैसा करा के रखे थे कि प्राइस बांटा करेंगे, वो धोखे भरी में बोलाए तो देखो ये पता नहीं कहाँ से 5 नोट निकल आए, उधारी करो तो बताओ पूछे कल फिर देंगे। अच्छा ठीक, तपस्या बताएंगी अगला सवाल, कल उधार करेंगे कल फिर तुम्हें देंगे ठीक, और फिर वैसे भी तो चेक भी तो दी जा सकती है वो तो बाद में कैश होगी। तपस्या बताएंगी, सुनो बढ़िया सवाल है, तपस्या बताएंगी जाइलम को वुड कहते हैं कि सेकेंडरी जाइलम को वुड कहते हैं? सेकेंडरी। ट्राइकीड और वेसल्स जिंदा होती है मुर्दा होती है, लिविंग सेल या डेड सेल? ट्राइकीड्स और वेसल्स लिविंग या डेड सेल्स? फ्लोएम की सारी सेल जिंदा, जाइलम की सारी सेल मुर्दा होती है, और ये ट्राइकीड वेसल्स जाइलम की सेल्स है। जाइलम में सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग सेल होता है, बाकी सब डेड होता है। बोलो। अच्छा अगला सवाल, जब अगला सवाल, वेसल्स सारे वैस्कुलर प्लांट में पाई जाती है सिर्फ एंजियोस्पर्म में पाई जाती है? सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म, क्योंकि वही 100-100 मीटर टाल यूकेलिप्टस जैसे होते हैं, उनमें पानी ज्यादा चढ़ाना होता है। तो टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्मा, एंजियोस्पर्मा तीनों वैस्कुलर प्लांट हैं, बावजूद इसके जाइलम वेसल सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म का लक्षण है। अगला सवाल तुम बता दो कस्क्यूटा अर्थात अमरबेल कहां सुना तुमने? पैरासिटिक प्लांट। अच्छा बीनस फ्लाई ट्रैप, ऑटोट्रॉप या हेटरोट्रॉप या कुछ और सोच बताना? नहीं, इंसेक्टिवोरस ऑप्शन ही नहीं, पार्सली हेटरोट्रॉप। ये पार्सली हेटरोट्रॉप क्यों कहलाता है? फोटोसिंथेसिस खुद करता है लेकिन नाइट्रोजन की कमी को इंसेक्ट से पूरा करता है ना। तो ठीक है भाई, तुम्हारे 10 रुपए कल देंगे, क्योंकि तुम दोनों पार्टनर हो, आज मिलके चाय पी लेना, कल वो तो चाय पिला देगी। आज अनुष्का और गुण शुक्ला में से देखें कौन प्राइज जीतता। ठीक, 2.5 सवाल पूछेंगे, 2.5 कुछ होता होगा। पहले गुण शुक्ला बताएंगी, हाँ 2.5 ओवर का टाइम बचा है। तुम हमें ये बता दो कि डीएनए में जो डबल हेलिकल मॉडल होता है तो एक हेलिक्स की पिच कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम। देख लो, रिवॉल्वर गोली से भी ज्यादा भयानक आंसर दिया।
तो 12 रुपए तो पहले ही हो गए उसके। चलो अगला सवाल अनुष्का, तुम ये बता दो, ये बता दो कि डीएनए में दो हॉरिजॉन्टल बार के बीच का एंगल कितना था? 36। पक्का? तुम ये बता दो डीएनए या आरएनए में नाइट्रोजनस बेस और सुगर के फर्स्ट कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड? ग्लाइकोसिडिक, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, बिल्कुल सही। अच्छा तुम ये बता दो कि थायमिन का दूसरा नाम क्या है? 5-methyl-uracil, 5-methyl-uracil। तो बच्चा आपस में बांट लेना फाड़ के, आधा आधा नोट है ना, फाड़ना पूरा नहीं, पैसा फाड़े नहीं जाते। चलो हम लोग कल पढ़ेंगे, तुम्हें भी अच्छा कल 10 रुपए उधार रहे, कल देंगे। आज हम लोग